सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथी, और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के एक महत्वपूर्ण आदेश का अवलोकन करते हैं, जो 20/7/2022 की स्थिति में यह आदेश जारी हुआ है। यह आदेश प्रति कलेक्टर जिला समस्त संबंधित को भेजा गया है। विषय है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 की सुझात्मक समय सारणी अनुसार कक्षा संचालन विषय। तो जो टाइम टेबल दिया गया है उसी के अनुसार कक्षा का संचालन होना है, कक्षा पहली एवं दूसरी का दिया है। विषय अंतर्गत लेख है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के संचालन हेतु सुझावात्मक समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संलग्न अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान की गई चर्चा एवं प्रदाय शिक्षक मार्गदर्शिका के अनुसार कक्षा कक्ष के संचालन के दौरान विषयवार प्रत्येक आयाम को न्यूनतम समय देने हेतु कक्षा संचालन का कार्य संपादित किया जाए। कृपया संलग्न सुझावात्मक समय सारणी जिले की प्रत्येक शासकीय प्राथमिक शालाओं में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो प्रत्येक जो प्राथमिक शाला होगा वहां पे वह समय सारणी चस्पा रहेगी, इसी के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 का संचालन होगा। आइए इस समय सारणी को भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं समय सारणी इस प्रकार है। यहाँ पे समय आप देख सकते हैं प्रार्थना का 10:30 से 10:45 तक 15 मिनट का समय रहेगा। इसके बाद देख रहे हैं कि 15-30 मिनट के लिए मौखिक भाषा। यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया गया है भाषा भारती के अंतर्गत हम देख रहे हैं। इसी प्रकार गणित का जादू प्रत्येक समय जो यहाँ पे दिया गया है दिन के अनुसार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार शनिवार आप देख सकते हैं प्रार्थना सुविचार, फिर 30 मिनट का जो रहेगा प्रार्थना के बाद मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता। इसी प्रकार 35 मिनट का जो समय दिया गया है भाषा भारती में रिकॉर्डिंग व लेखन का दिया गया है, और 20 मिनट का जो समय रहेगा स्वतंत्र पठन अभ्यास। इसी प्रकार हम गणित का जादू के अंतर्गत देखेंगे 20 मिनट का समय विषय वस्तु की अवधारणा विकास, फिर 25 मिनट का जो समय है वास्तविक जीवन आधारित गतिविधि, और 20 मिनट का जो समय होगा अवधारणा संबंधित स्वयं अभ्यास, वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक स्लेट। इसी प्रकार 35 मिनट का यहाँ पे समय जो दिया गया है मध्याह्न भोजन के लिए, और 50 मिनट का जो समय रहेगा इसके बाद 2 बजे से 2:50 तक, अर्थात 50 मिनट का जो समय है यहाँ पे खेल एवं जीवन कौशल। और इसके बाद हम देख रहे हैं 20 मिनट का जो समय है मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार 2:50 से 4 बजे तक का जो समय रहेगा इसमें भी डिवाइडेशन किया गया है 70 मिनट का आप देख सकते हैं। डिकोडिंग व लेखन और 20 मिनट का जो समय इसमें निर्धारित किया गया है स्वतंत्र पठन अभ्यास एवं 4 बजे से 4:30 बजे तक का जो समय दिया गया है 30 मिनट का इसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी इसके अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया गया है दिवस के अनुसार दिया गया है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी एक जो कॉपी रहेगी आप अपने जो कक्षा कक्ष रहेगा आपका जहाँ पे आप कक्षा 1 एवं 2 की कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं वहाँ पे इसे चस्पा कर दीजिए।
तो ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट कक्षा 1 EM 2 के लिए। सुझावात्मक समय सारणी पे हमने आज कार्य किया। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें। धन्यवाद।